नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है, बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले हम बताते हैं जॉब की बातें। जॉब की बातें करते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी निकल कर आई है, यह प्रतिदिन का सिलसिला है। तो हम आपको बता दें कि रेलवे में अप्रेंटिस के 3,115 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। सुनहरा अवसर है, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन समेत विभिन्न ट्रेड मौका मिलेगा। इसका बात कर लें अंतिम तिथि की तो 24 अक्टूबर 2024 है। आपको बता दें यह लास्ट डेट है। ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3,115 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के अंतर्गत है फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मशीनी ट्रस्ट समेत विभिन्न ट्रेड्स में भारतीय की जाएगी, यानी भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ है 10वीं पास उम्मीदवारों ने ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इधर आयु सीमा की अगर बात कर ले तो न्यूनतम 15 वर्ष है, अधिकतम 24 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा में OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी। आप आवेदन कैसे करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, लिंक पर क्लिक करें, ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करें, आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, फीस भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें। वहीं आपको बता दें कि OBC EWUS से 100 रुपये, SC ST के लिए भी SC ST महिला उम्मीदवार के लिए निशुल्क यह आवेदन है। आप इस चयन प्रक्रिया में निशुल्क इसका भर सकते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन जो है मेरिट बेसिक पर यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर और बताते हैं वैकेंसी को लेकर कि PMCH पटना वैकेंसी 2024 को लेकर कि बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए खोला खजाना, नए पदों पर निकाली बम्पर बहाली। बता दें आपको विस्तार से कि PMCH पटना वैकेंसी 2024 को लेकर PMCH हॉस्पिटल में नौकरी प्राप्त करके अपना करियर बनाना चाहते हैं आप तो उनके लिए धमाकेदार या खुशखबरी है। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए कई विभागों में नए पदों पर बहाली करने जा रही है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा विभाग के संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी किया है। PMCH में 4,315 पदों पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में 4,315 नए पदों पर भर्ती किए जाने पर बेरोजगार को नौकरी तो मिलेगी, इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था में भी काफी सुधार होने की बातें की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि के पाठक जहां भी रहते हैं चर्चा में रहते हैं, तो बिहार का राजस्व बढ़ाने के लिए के पाठक का मास्टर प्लान, 7,000 करोड़ वसूली के लिए बनेगी अब एक खास कमेटी। तो खबर को विस्तार से हम आपको बता दें कि के पाठक बिहार सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। राजस्व परिषद ने विभागों को नया टास्क सौंपा है। परिषद ने विभागों से राजस्व से संबंधित मुकदमों का समाधान निकालने को कहा है। वहीं राजस्व वसूली में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। इधर बिहार में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, दिवाली से पहले नीतीश कुमार ने दिया तोहफा। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले तोहफा दे दिया है। राज्य के वित्त विभाग, कह सकते हैं कि वित्त विभाग जो है ने आदेश जारी किया है कि अक्टूबर महीने का वेतन 25 तारीख को मिलना शुरू हो जाए। यह निर्णय दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखा गया है। जैसा आप जानते हैं कि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को यह बड़ी राहत देने वाली बात है। तो दीपावली पूजा से पहले
बिहार के तमाम कर्मचारियों को वेतन देने का निर्देश वित्त विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। वहीं सरकारी विद्यालयों में छठ पूजा और दीपावली की छुट्टी पर छुट्टी का जो मुद्दा है एक बार फिर गर्मा गया है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतन कृष्ण ने कहा कि हम शिक्षकों से वादा करते हैं कि वो छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हमें उम्मीद था कि शिक्षा विभाग छुट्टी के कैलेंडर में वक्त आने पर सुधार कर लेगा, लेकिन नहीं हुआ तो हम इस पर बात करेंगे। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर अराजकता का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार का महापर्व छठ में भी छुट्टी की कटौती गलत है, हम शिक्षकों के साथ हैं। जदयू प्रवक्ता ने सभी शिक्षकों के हित में फैसला लेने की बात कही है, यानी कि हम आपको बता दें कि 4 दिनों की छुट्टी की मांग की गई है। फिलहाल इसमें 2 दिन ऐसे समय है जिसमें पर्व का खास दिन होता है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा शिक्षकों की आस्था के साथ हो रहा है खिलवाड़, महिला शिक्षिका कैसे करेगी लोक आस्था का महापर्व छठ। वहीं कजान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय खास बैठक। इधर बिहार में साइबर अपराध को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट और CDSG ने स्कूल के बच्चों को साइबर अपराध के प्रति किया जागरूक है। आपको बता दें आगे की खबर यह है कि NDA के लिए चुनाव प्रचार करने झारखंड जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसका फैसला वे खुद लेंगे। अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने के सवाल पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर वे हाथ जोड़ते हैं तो उसमें गलत क्या है, आपको मन करे तो थप्पड़ चला ले या आप पर निर्भर करता है। बिहार न्यूज की बात कर ले कि बिहार की बड़ी खबर और क्या हो सकती है, तो शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बड़ा बदलाव, BPSC से बहाल टीचर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला आने वाला है। वहीं आपको बता दें कि कृषि विभाग की तरफ से सभी पंचायतों में कृषि बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की पहल शुरू हो गई है। वहीं आपको यह भी खबर होनी चाहिए कि सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण इसी वर्ष से शुरू होगा, इसको लेकर लोकेश ने यानी कि लोकेश कुमार सिंह ने यह बयान दिया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि मनरेगा से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रनिंग ट्रैक आदि खेलों के लिए संरचनाएं भी विकसित की जाएगी, तो सभी पंचायतों में खेल का मैदान सुनिश्चित किया जाएगा, बनाए जाएंगे। इधर पहल सरकारी स्कूलों में 3री से ही कला और शारीरिक शिक्षा की होगी पढ़ाई, NCERT की ओर से तैयार किया जा रहा है पाठ्यक्रम। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान अब तुरंत हो सकेगी, अटल इक्यूबेशन सेंटर के तहत बिहार विद्यापीठ ने तैयार की है खास लैब, अब खाद्य पदार्थ में मिलावट की तुरंत पहचान की जाएगी, दवा उत्पादों की गुणवत्ता की जाँच भी अब आसान हो जाएगी। अटल इनक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ फाउंडेशन पटना ने कार्गो अस्मेप्ड फूड टेस्टिंग और आयुष लैब तैयार किया है, इस लैब में किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की आसानी से पहचान की जा सकेगी। इधर बिहार की ग्राम कचहरियों में 14,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले शामिल है, पंचायती राज विभाग ने 100% केस निपटाने का खास निर्देश दिया गया है। इधर स्कूलों को मिलेगा तबला और हारमोनियम, इस सिद्धांत का यह बड़ा ऐलान है। तरंग उत्सव में यह बातें उनके द्वारा डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया कि हम हर शनिवार को चाहते हैं कि विद्यालयों में बच्चों के लिए खुशियां हो, बच्चे खेले घूमे डांस करे, तमाम चीजें यहाँ पर हो, अगर ऐसा स्कूल में होता है पेंटिंग करे, कहानियां बनाए, कहानियां सुनाए, तो हमें हर स्कूल को हारमोनियम और तबला भी उपलब्ध कराएंगे। इधर एक पोर्टल से मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अस्थायी श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की, 30 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। 3 करोड़ की बात अगर कर ले तो 3 करोड़ तक पहुंची श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले कर्मियों की संख्या, हर दिन 60 से 90 हजार श्रमिकों का हो रहा है इसमें पंजीकरण, ई श्रम पोर्टल पर इन योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, तो खास योजना है, इसे लाभ देना चाहिए। प्रदेश में बिजली खपत के तरीकों का होगा अध्ययन, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का डाटा विश्लेषण किया जाएगा, बिजली चोरी को लेकर
अन्य जानकारी इसमें मिल सकेगी। 50 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं बिहार में, इस काम में केंद्र सरकार की भी मदद ली जाएगी। तो खास तैयारी है सरकारी कर्मियों को दीपावली और छठ से पहले वेतन देने की सरकार की मंशा है। लेकिन देखिए किन किन कर्मचारियों को वेतन मिल पाता है। इधर बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली 6 माह में, मुख्यमंत्री ने DGP को प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। 1,239 चयनित अवर निरीक्षकों का नियुक्ति पत्र भी बीते दिन सौंपा गया है। तो अब बिहार में चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है, आप जरूर दीजिएगा। वही इंटर सेंटर की जो परीक्षा है उसकी भी डेट निकाल दी गई है। इंटर सेंटर परीक्षा 11 नवंबर 2024 से होगी, सामग्री 30 अक्टूबर तक विद्यालय ले सकते हैं। वही ऑनलाइन उपस्थिति में पेड़, झाड़ी, मास्क, कैमरे पर हाथ रखकर गाड़ी से ही उपस्थिति दर्ज करने वाली समस्तीपुर की 2 शिक्षिकाओं का 1 सप्ताह का वेतन काटा और स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। तो छुट्टी पर बवाल मच गई है शिक्षकों में कि छठ पूजा में छुट्टी होनी चाहिए। तो क्या छुट्टी होती है या नहीं होती है, तमाम चीजों को फिर हम आपको बताएंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, और अगले वीडियो का कीजिए इंतजार। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।